दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताता रहता हूँ। उसके साथ ही दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस में बिजनेस करने के लिए लोन कैसे लें इसके बारे में भी बताया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी सरकार बिज़नेस के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक लोन योजना शुरू किया, जिसमें आपको अपने बिजनेस के ज़रूरत के हिसाब से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। जी दोस्तों, यह है मुद्रा लोन योजना, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि मुद्रा लोन स्कीम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने टाइप के लोन होते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन मिलता है, PMEGP लोन का भी वीडियो बनाया है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप PMEGP लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नई नई चीज़ें आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम जानते हैं ये मुद्रा लोन योजना या मुद्रा लोन स्कीम क्या है। दोस्तों, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन स्कीम स्टार्ट किया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये लोन किनको मिल सकता है। ये लोन दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो भी मिलेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, छोटी काम के लिए, हर एक बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं जो 10 लाख तक से स्टार्ट हो। यहाँ तक कि दोस्तों, ठेला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, वो भी लोन मुद्रा लोन स्कीम के थ्रू ले सकता है। अब इसमें दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि लोन किनको नहीं देना है। तो लोन उनको नहीं मिलेगा जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बिजनेस करते हैं, या जो मीडियम स्केल का बिजनेस करते हैं, 10 लाख से ऊपर वाले, ऐसे लोगों को लोन सरकार नहीं देगी। अब दोस्तों, आपकी ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट ने 3 टाइप के लोन देने का स्कीम रखा है। अगर दोस्तों आपका छोटा पूंजी का बिजनेस है, आप कोई छोटी दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें 50,000 रुपये तक का लागत लगेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने शिशु मुद्रा लोन स्कीम, उसका नाम दिया हुआ है, जिसमें आप
50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट इससे बड़ा है या आपके बिज़नेस में 50,000 रुपये से ज़्यादा लगने हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई कैटेगरी इसमें रखी है, किशोर। इसमें क्या है कि 5 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। तीसरा है दोस्तों, तरुण। अगर 5 लाख में भी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, पूंजी और लगनी है, तो ऐसे कंडीशन में एक तीसरा विकल्प है आपके पास, तरुण। इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कैटेगरी बनाई गई है, 10 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोन आप लेना चाह रहे हैं और आप नए हैं तो लोन कैसे लेंगे। तो दोस्तों, इसमें मुद्रा लोन स्कीम की कुछ एलिजिबिलिटी है कि किसको किसको लोन दिया जाएगा या किस टाइप के बिजनेस के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें दोस्तों, अगर आप नए हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पूंजी की ज़रूरत है, फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। किनको किनको मिलेगा? कोई छोटा मैन्युफैक्चरर हो, जैसे कोई दोना पत्तल का काम कर रहा हो, कोई स्लीपर मेकिंग का काम कर रहा हो, कोई राइस मिल लगाया हो, कोई ऑयल मिल लगाया हो, कोई फ्लोर मिल लगाया हो, तो इस टाइप के जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम हैं उनमें आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की दुकान है आपके पास या दुकान करना चाहते हैं, जैसे आपके जूते चप्पल की दुकान हो या किराना शॉप हो या कोई भी ऐसा दुकान जो 10 लाख रुपए तक हो, उसमें आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ तक दोस्तों गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया हुआ है कि जो हमारे छोटे भाई हैं जिनको 10,000 20,000 रुपए तक या 50,000 रुपए तक की ज़रूरत होती है, जैसे जो फल बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट ने लोन देने का प्रावधान बनाया हुआ है कि लोन लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, गाय भैंस पालना चाहते हैं या मछली पालना चाहते हैं, तो इस टाइप में भी आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कि उनको लोन नहीं दिया जाएगा, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो पता चला कि आप बीड़ी पान सिगरेट बनाना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अवैध चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको लोन सरकार नहीं देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका लोकल रेसिडेंशियल प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या ग्राम प्रधान से प्रमाणित किया हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी डॉक्यूमेंट्स में। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लगनी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका 5 लाख का प्रोजेक्ट है बिजनेस का, तो 5 लाख पूरे गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। बैंक आपसे पूछे कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा, तब आगे का पैसा बैंक के थ्रू आपको मिलेगा। अब इसके लिए दोस्तों, अगर आप नए हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो आपको दुकान का अपना
अपनी दुकान हो तो उसके पेपर देने पड़ेंगे, या आपने रेंट पे लिया हो तो रेंट एग्रीमेंट देनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक दोस्तों लगेगी, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसका एक रिपोर्ट लगेगा। उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको वो CA से बनवाना पड़ेगा। ये बनवा के अब दोस्तों अप्लाई कैसे करने, अप्लाई करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट है udyamimitra.in, इस पे आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। इस पे रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आप नहीं कर पाए तो किसी CA से करवा लीजिएगा। इस वेबसाइट के थ्रू वो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, जिससे आपके आगे के लोन के लिए सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दूँगा। और एक मेरी PMGP लोन कैसे लें, इसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।